इंदौर से बालाघाट की ओर आ रही एक निजी कंपनी की बस खड़े ट्रक से टकराई। इस भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत, 30 से अधिक यात्री हुए घायल। ग्राम सरेखा निवासी सभी यात्री महाकालेश्वर के दर्शन के लिए गए थे उज्जैन। किसानों की धान खरीदी कर अपने घर लौट रहे सेवा सहकारी समिति में पदस्थ एक कंप्यूटर ऑपरेटर पर आधा दर्जन लोगों ने हमला कर किया घायल। कंप्यूटर ऑपरेटर ने लगाया सरपंच परिवार पर मारपीट और लूटकर। ग्रामीण थाना नवेगांव के अंतर्गत ग्राम गोंगले में एक किसान ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर पर फांसी लगा करके आत्महत्या। किसान ने क्यों की आत्महत्या फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजादी के 75 साल बाद भी अंधकार में जिंदगी गुजार रहे कई गांव के ग्रामीण। जिला मुख्यालय से सटे ग्राम अकूसमी का मामला, नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों ने कहा कि आवेदन निवेदन करने पर भी कहीं नहीं हो रही सुनवाई। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बमनी में एक युवक को उसके जीजा ने लाठी से मारकर किया घायल। घायल कृष्ण कुमार को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। बारासन के ग्राम पंचायत कायदी के मछुआरों ने पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। सरपंच सचिव पर लगाया चुनावी रंजिश निकालने का आरोप। कहा अधिकार क्षेत्र आने के बावजूद भी सरपंच सचिव जारी नहीं कर रहे हैं तालाब के पट्टे। नगर में जहां तहां फैले अतिक्रमण को मुक्त कराने नगर पालिका के द्वारा की जा रही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के विरोध में हाट ठेला संचालन ने सपरिवार आत्महत्या की दी चेतावनी। किरणापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बोरवन में 31 दिसंबर की रात एक बुजुर्ग की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। 31 दिसंबर की रात बुजुर्ग की 6 आरोपियों ने गोली मारकर की थी हत्या। जादू टोने के शक में आरोपियों ने उतारा था बुजुर्ग को मौत के घाट। परिवार के सदस्य को आकस्मिक मृत्यु होने पर शासन के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि पीड़ित के परिवार को नहीं मिल रही है। परिजन शासकीय कार्यालय के लगा रहे चक्कर। आवेदन निवेदन का भी प्रशासनिक अधिकारियों पर नहीं हो रहा है असर। बिरसा ब्लॉक के अंशकालीन कर्मचारी को करीब 8 माह से नहीं मिला मानदेय का भुगतान। मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। कलेक्टर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक जारी रहेगी हड़ताल। बारासुनी के अंतर्राज्यीय मार्ग पर सड़क के बीचों बीच खराब हुआ पिकअप वाहन। मार्ग पर वाहनों को लगा लंबा जाम। सड़क निर्माण सहित राहगीरों ने मार्ग को चौड़ीकरण की मांग दी। बिरसा थाने के साली टिकरी पुलिस ने 2 माह पहले मृतक व्यक्ति की दफन की गई लाश का उत्खनन करवाया पोस्टमार्टम। पत्नी का शक संजय की उसके ही चाचा के द्वारा मारपीट किए जाने से हुई मौत। पत्नी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर साल के लिए पुलिस ने की कार्रवाई। हेलंजी के ग्राम पिंड के पार से आज सरपंच और पंचों ने एसपी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। आंगनबाड़ी भवन निर्माण का विरोध करने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की। शहर के पुराने बस स्टैंड में करीब 35 साल पहले बना यात्री प्रतीक्षालय इन दिनों अपनी जर्जर हालात पर बाहर रहे आंसू। बस स्टैंड का जो यात्री प्रतीक्षालय दे रहा है हादसों का निमंत्रण। यात्रियों के लिए पेयजल तक की व्यवस्था नहीं है यात्री प्रतीक्षालय। लालबरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंडापानी में 2.5 साल के मासूम बच्ची मकान की छत से गिरने से हुई घायल। जिला अस्पताल में उपचार के लिए किया गया भर्ती।